जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लूम टेक्निक और मैं हूं आपका दोस्त वारिस। आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका चार पेटी नहीं बदल रहा है, सिर्फ दो पेटी बदल रहा है या तीन पेटी बदल रहा है, या मान लीजिए एक तरफ का बदल रहा है और दूसरी तरफ का पेटी चेंज नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, चलिए यही बताते हैं। सबसे पहले ये देखिए डोरी, ये चेंजर से एक डोरी बांधी गई है जो कि ऊपर जगाट में कनेक्ट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर एक यल लगाया गया है और इसके जरिए डोरी जगाट के तीरी से बांध दी जाती है। आपको ऐसे कंडीशन में सबसे पहला काम मशीन को आगे की तरफ इस तरफ कर लेना है, सटा लेना है बिल्कुल। मशीन को आगे लेने के बाद आप देख लीजिए ये हैंडल रॉड जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एकदम ये वाला पोर्शन, ये वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तब फिर आप डोरी की चेकिंग करें, ये डोरी ठीक है कि नहीं। और कैसे चेक करें, देखिए मान लीजिए ये डोरी है, इसका तनाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो भी पेटी चेंज नहीं करेगा ठीक, और कम होगा तो भी पेटी सही समय पे चेंज नहीं करेगा, या तो नहीं चेंज करेगा, या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी चेंज करता है कभी नहीं चेंज करता है। अब ये देखिए ये इतना ही टाइट रहना चाहिए जितना कि ये उठे ना, बस इस पे उंगली रखिए तो ये वाला हिस्सा उठने लगे, देख रहे हैं ना, ऐसे उंगली रखिए उधर वाला हिस्सा फिर से उठना शुरू हो जाए, मतलब तनाव बिल्कुल बराबर रहे एकदम जीरो जीरो। इस पर उंगली रखते ही ये वाला हिस्सा उठना शुरू हो जाए, ताकि इधर जो अंदर चेंजर में जो ये सारे पार्ट लगे होते हैं, अब ये देखिए ये छोड़ना शुरू हो जाए, एक तरफ से पकड़ना शुरू हो जाए। नीचे से छोड़ेगा तो ऊपर पकड़ेगा, और ऊपर पकड़ेगा तो ऊपर से छोड़ेगा तो नीचे पकड़ेगा, यही इसका क्रियाविधि होता है। ये चेंजर है, पेटी चेंज करने का सारा ठीका इसी ने ले रखा है। और उसके बाद मशीन को ऐसे ऊपर की तरफ कर लीजिए क्रैंक, ये क्रैंक देख रहे हैं, क्रैंक को सीधा ऊपर खड़ा कर लीजिए। उसके बाद गियर बॉक्स को चेक कीजिए। अब ये देखिए गियर बॉक्स बिल्कुल चेंज कर रहा है, अभी इधर का एक ही चल रहा है, इधर का हम उठा रहे हैं तो बस एक ही तरफ का है, मगर जब ये दोनों साथ में चलते हैं तब इधर का जब बदलेगा उसी के साथ में ये वाला हिस्सा उधर का दूसरी ओर का गियर बॉक्स को खींच लेगा, उधर भी चेंज हो जाना चाहिए बराबर। और एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो होता है सेंट्रिक, इसे इसेंट्रिक कहते हैं, इसमें जो मशीन में कम या ज़्यादा करने के लिए दौड़ नहीं होता है, जो काटी मशीन में होता है वो अलग होता है, उसमें कम ज़्यादा करने के लिए होता है। इसमें केवल काम इतना है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक खेलता है, उतने में ही आपका ये चेंज हो जाता है ये हिस्सा। और ये जो पार्ट है, जब ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे इधर आ जाता है तो ऊपर वाला भी ऐसे बदल जाता है। एक बार देखिए ऐसे बदल गया, ये दूसरे पोजीशन पे आ गया अपने, फिर पहले वाले पे आ गया। इसी का ख्याल रखना है आपको खास, कि जब ऊपर वाला बट्टा एक बार पोजीशन बदल ले अपनी, तो नीचे का क्लच भी अपना पोजीशन बदल लेना चाहिए, क्लच को भी। देखिए क्लच अब हमारा इधर आ गया, फिर अगर एक बार ऊपर वाला बट्टा, ये ऊपर वाला हिस्सा एक बार ऐसे चेंज कर देंगे, पोजीशन बदल लेगा, ठीक उसी साथ में
नीचे वाला क्लच भी अपनी पोजीशन बदल लेगा, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ आ जाना चाहिए इसे, बीच में कहीं भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ जो चलता है चार पेटी जिससे, उसमें भी ऐसे ही होना चाहिए उसका क्लच भी। अब ये जो है दोस्तों देखिए, हमारे मशीन में यहाँ पर पहले होल था, चल रहा था, लेकिन बाद में चलते चलते चेंज नहीं कर रहा था क्योंकि दौड़ ज़्यादा नहीं ले पा रहा था। तो उसके लिए हम अंदर छेद करा करके थोड़ा सा इसको वहाँ पर फिट कर दिए हैं ताकि वो अप डाउन थोड़ा सा और ज़्यादा कर सके और ये वाला हिस्सा बराबर आगे पीछे कर सके। और ठीक इसी तरह वो तो चेंजर का काम अलग है, जिस समय चेंजर के नीचे वाला गियर बॉक्स चेंज करेगा ठीक साथ में इधर वाला भी क्लच अपना काम करेगा एक साथ में। अब देखिए इधर का गियर बॉक्स का क्लच और उधर जिधर चेंजर लगा था वहाँ का गियर बॉक्स दोनों साथ में काम करेंगे। अब देख लीजिए, इस तरीके से भी समझ लीजिए कि इधर से जब गियर बॉक्स चेंज करता है अपना गुटके वाला पोजीशन, ठीक उसी समय ये पतले रॉड द्वारा इधर कनेक्ट होता है, तो इधर भी चेंज करेगा और इधर भी चेंज करेगा दोनों साथ में। आप देख लीजिए एक बार, शायद दिख जाए, ये देखिए इधर का भी क्लच चेंज कर रहा है, उधर का गुटका एक साथ में चेंज कर रहा है। तो बस यही सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों, बस इसे अपने माइंड में दिखाने की ज़रूरत है और बकिया कुछ ज़्यादा है नहीं, बस समझ समझ का फेर होता है, किसी को समझ में आ जाता है किसी को नहीं आता। और ये जो छोटे छोटे पार्ट लगे हुए हैं इन सब में हल्का सा प्ले ज़रूर होना चाहिए, प्ले रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जो भी पार्ट हैं वो कटने के टूटने के चांसेस कम रहते हैं। देखिए नीचे भी कितना प्ले है और ऊपर जितने भी पार्ट लगे हैं हिलने डुलने वाले, सारे पार्ट में प्ले रखा जाता है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। जब चार पेटी चल रहा था दोस्तों तब इधर का भी ये दोनों फिंगर भी डोरी से बंधा था। हाँ, डोरी उसी तीली में बांधी जाती है जिस तीली में पेटी कटा होता है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अपने मन से किसी में भी आप डोरी नहीं बांध सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।